माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पनीर भुर्जी बना के दिखाऊंगी, जो कि झटपट इजीली कम टाइम में बन सकता है और हम इसको नान, पराठा या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। भुर्जी बनाने के लिए मैंने दो मीडियम साइज ऑनियंस को कट करके रखा है, 1 टमाटो को कट करके रखा है, 2 चिलीज स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट करके रखा है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स लिया है और 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने। पहले हम पनीर को ग्रेट करके साइड में रख देंगे, उसके बाद पनीर भुर्जी बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पनीर को मैंने ग्रेट करके साइड पर रख दिया है। मैंने कढ़ाई को ऑलरेडी स्टोव में गरम कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून घी और थोड़ा सा ऑयल। आप अपने हिसाब से घी और ऑयल का अमाउंट एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून जीरा। अब हम इसमें डालेंगे जो कट करके रखे थे ऑनियन। अब हम ऑनियन को हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करेंगे। मेरे ऑनियन अब गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो फाइनली चॉप करके रखे थे टमेटो। टमेटो डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार सॉल्ट और हल्दी डाल के हम टमेटो को थोड़ी देर पकने के लिए कवर कर देंगे। अब देखिए जो टमेटो हैं पक गए हैं, मिक्स हो गए हैं इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून सब्जी मसाला पाउडर और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। आपको अगर ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप तीखा वाला लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और आपको अगर ग्रेवी करना हो आपकी भुर्जी को तो आप इस पे जो टमाटो डालने के बाद, मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं ड्राई बना रही हूँ तो इसमें मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। अब मैं इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी और जो हमने ग्रेट करके रखा था पनीर को वो इसमें डाल देंगे। ये जो रेसिपी है ये टेस्टी भी है और झटपट बन जाता है। हम इसको मिक्स करके बस 3 से 4 मिनट तक ही पकाना है, वो भी ढक के सीम में पकाना। आप अच्छे से इसको मिक्स कर देना। अब देखिए मेरा पनीर भुर्जी हो गया है। अब मैं स्टोव बंद करूंगी और इसको सर्व करेंगे। ये देखिए मैंने सारे भुर्जी को ऐसे एक प्लेट में निकाल दिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। मैंने पहले से जो ग्रेट करके रखा था पनीर उसे थोड़ा सा निकाल दिया था और कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा चीज ग्रेट करके इसको हम गार्निश करेंगे। पनीर को अब हम जो रखी थी उसको ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर। मैं थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डालूंगी। इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा कोरिएंडर डाल लेंगे। देखिए मेरा पनीर भुर्जी बन के रेडी है। ये हम इजीली कम टाइम में बना सकते हैं। इसको हम रोटी, पराठा, नान इसके साथ सर्व कर सकते हैं।
तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको दबाइएगा ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आती रहे न्यू वीडियोज़ की। थैंक यू।